Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एहतसाब अदालत में जहाँ पे इंतहाई आम पेशरफ थी और इस पेशरफ के नतीजे में वहाँ पे जो समाज जारी थी, शरीफ खानदान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत इस वक्त जारी है, जिसमें जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस नैब की तरफ से भेजे गए थे, फ्लैट अजीजिया मिल और फ्लैट इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की समाअत में शरीफ फैमिली जो है इनके पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। जी, आपको एक दफा फिर से बताएं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सब कैप्टन सफदर रिटायर्ड पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शरीफ खानदान की जानिब से 3 जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत आज जारी थी, जिसमें एवान पील फ्लैश से अजीज या मिल थी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट थे, इनके रेफरेंसेज जो थे आपको बताते चले कि इन तमाम तरह रेफरेंसेज में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ट्रायल कोर्ट जहां पर नैब के 3 रेफरेंसेज जेर समाअत थे और इन 3 रेफरेंसेज में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेज की समाअत आज बड़ी हंगामा खेज समाअत, जिसमें 2 दरखास्तें हैं एहतसाब अदालत में पेश की गई, आखिर में एक तीसरी पेश की गई, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया कि इन 3 रेफरेंसेस को यकजा कर दिया जाए। इस तरह से आज 2 दरखास्तें जो है वो मुस्तरद, एक दरखास्त इस हवाले से भी थी कि फर्द जुर्म आज आयद ना की जाए, लेकिन फाजिल जज ने इन 3 दरखास्तों को मुस्तरद किया और आज नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, एक हंगामा खेज आज की समाअत रही और उस पर एक बहुत ही अहम फैसला, जिस तरह से कई समाअतों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था फर्द जुर्म आयद, आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, अभी एक रेफरेंस इवन फील जो का जो रेफरेंस था अपार्टमेंट का, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। ये फर्द जुर्म अदालत के अंदर पढ़ के सुनाई गई, उनके नुमाइंदे थे साबिक नवाज शरीफ के जाफिर खान, उनको ये उनके सामने ये पढ़ के सुनाई गई, जिसके ऊपर उन्होंने इसको इसकी फेस से उन्होंने इनकार किया। मजीद अदालत अभी भी जारी है। जी, आपको एक बार फिर अपडेट कर दें, इवन फील्ड रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद कर शरीफ के नुमाइंदे जो हैं उनको चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई गई, लेकिन उन्होंने फर्द जुर्म के हवाले से सेहत जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। हमारे नुमाइंदे शकील अहमद इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे कि इवन फील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नवाज शरीफ की जानिब से उनके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई, जिसके जवाब में सेहत जुर्म से इनकार किया गया। आम खबर आपको दे रहे हैं, नवाज आशास कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक रेफरेंस जिसमें एवान फील्ड थे और साथ ही साथ अजीजिया मिल थी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का मामला भी था, उसके ऊपर आपको बताते चले कि फर्द जुर्म आयद की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सेहत जुर्म से इनकार किया गया है नवाज फैमिली की जानब से, जो उनके नुमाइंदे थे उनके वकला की जानब से। हमारे नुमाइंदे शकील हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद भी जानते हैं का क्या कार्रवाई रही मुकम्मल तौर पर आज वक्फे के बाद। जी बिल्कुल, इससे जो है दलाइल मुकम्मल किए गए थे और लेकिन उसका फैसला सुनाने से पहले जो फर्द जुर्म, क्योंकि इस ये दरख्वास्त ऑलरेडी वो जो है मुस्तरद कर चुके थे, जिस आज फिर उसके बाद जो नैब कोर्ट के जज थे उन्होंने उनकी मौजूदगी में जाफिर खान जो के नुमाइंदे हैं साबिक वजीर नवाज शरीफ की, उनकी मौजूदगी में जो है ये चार्जशीट पढ़कर सुनाई, जिसको जिससे उन्होंने उनके नुमाइंदे लिया और इस तरह ये फर्द जुर्म जो आयद थी वो आज आयद कर दी गई। लेकिन ये एक रेफरेंस जो एवन फील्ड रेफरेंस था जो अपार्टमेंट्स के हवाले था उसके अंदर जो है ये फर्द जुर्म आयद की गई है। जी, तो अभी 2 रेफरेंसेस के हवाले से बाकी है कार्रवाई। जी बिल्कुल, अभी भी अदालत की कार्रवाई है वो समाप्त हो रही है मजीद इस हवाले से, क्योंकि एक वो दरख्वास्त भी पेंडिंग है जो अभी की थी इनकी वकील आयशा हमिद की जानिब से, उसके ऊपर भी फैसला आना है और दीगर जो है रेफरेंस फैसला आना बाकी। तो शकील, ये भी जरा हमें क्लियर कर दीजिएगा कि अभी जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर हुई है? ये नवाज शरीफ के साथ साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर भी ये फर्द जुर्म आयद की गई है। ठीक है, एक रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, इवन फील्ड ये फ्लैट्स का मामला जिस पर फर्द जुर्म नवाज शरीफ के नुमाइंदे जाकिर खान को चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई, उनकी मौजूदगी
नसीहत जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस तरह मौजिज अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बिल्कुल, एक रेफरेंस के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। वॉन फील के मामले पर फर्द जुर्म आयद की गई है और आपको बताएं कि उनके वकील जाकिर जब इस हवाले से चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई तो उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नवाज फैमिली पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन सफदर रिटायर आयद की गई है और आपको बताते चले कि शरीफ खानदान